आज हम बनाएंगे मूली की साग भुजिया वाली। हमने मूली को काट लिया है और इसको हम काट के अच्छी तरीके से धो लेंगे। अब धोकर हम गैस जलाकर कढ़ाई में रख देंगे और ये ऐसे ही रख देंगे। इसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे और नमक डाल देंगे ऊपर से। इसमें पानी बहुत ज़्यादा छूटता है नमक डालने पर, और इसको हम ढक देंगे। फिर ये धीमे धीमे आंच पर होता रहेगा और ये देखिए हो रहा है। अब ये हो चुका है। अब इसको हम निकालेंगे प्लेट में। अच्छी तरीके सारा पानी इसका जब हो जाए उसके बाद निकालना। अब हम निकाल रहे हैं इसको एक प्लेट में। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। अब हम इसको तड़का लगाएंगे। हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और ये तेल हो चुका है। हमने लहसुन की 2-3 कलियाँ डाल दिए हैं। लहसुन हो गया। हमने इसमें लाल मिर्च और जीरे का छौंक लगा दिया है। अब ये हो रहा है। अब इसमें हम मूली की साग डाल देंगे। ये देखिए हमने डाल दिया। इसमें ऊपर से हरी धनिया की पत्ती डाल देंगे और ये बहुत ही अच्छा लगता है पूरा। अच्छी तरीके से इसको हम भून लेंगे ताकि इसका जो पानी है वो सब इसमें हो जाए। और ये मक्के की रोटी के साथ में खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। एक बार खा के देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा।